Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. पहले स्टेज पर ड्रामे हुआ करते थे और उसमें एक हारमोनियम एक तबला बजता था। वही चीज़ें आई फिल्म शुरू की जो बनी है, जैसे मॉडर्न थिएटर वगैरह ने बनाई, जहरी सांप और जनाब गुल रोज़रीना, इंद्र सभा, ये इस किस्म की जो पिक्चरें आई, लैला मजनू, शीरी फरहाद, उसमें वैसे ही एक तबला एक हारमोनियम ही बजता था। Background music and the real background music was introduced only by new theatres. You see Devdas and all. I know, I have seen that other picture also. Vidyapari, for example. The background music is most important. And that adds to the picture's strength. जहाँ मकाल में डायलॉग खत्म हो जाते हैं, उन जज्बात को बैकग्राउंड म्यूजिक जाहिर करता है, तो कौन से साज इस्तेमाल करना चाहिए कि इसके जज्बात का इजहार हो, तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक में भी बोराल बाबू ने ये तमाम चीज़ें, पंकज बाबू ने इंट्रोड्यूस की, जिसको हमने भी फॉलो किया, हम उन्हीं से इंस्पायर हुए और उनको हम गुरु का दर्जा देते हैं। न्यू थिएटर्स वाज द मीटिंग प्लेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट्स। कौन कहेगा प्रीति से ये कैसा उल्टा प्यार, ये कैसा उल्टा प्यार। Raichand Boral was one of the big names among them. जग अंधियारा मन दर्पण है जग तारा। सुनो न सुनो न जब घोरो बोले बंदे काट फागों की खोले, सोना रूपा एक में घोले और बरसा में क्यों ना गीत खुशी के गाए, क्यों ना गीत खुशी के। आरसी बोराल साहब जिन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है ये शुरू किया, उन्होंने पहले तो एक हारमोनियम और एक तबला ये पखावज बजता था, उन्होंने उसमें सितार भी ऐड किया, मैंडोलिन ऐड किया, चेलो और ये आपका पियानो, ये चीज़ें उन्होंने शुरू की, तो उसकी एक शक्ल बनाई। तो हमारे वहाँ तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में ऑर्केस्ट्रा होते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा का रूप दिया।
दुनिया की हंसी खुशी सारे संसार का गम ले जाए उठा कर हम। Boral, the flamboyant genius, achieved a fine synthesis of Western and Eastern music, creating an exciting new genre of Indian light music. और उनसे हमें क्या लेना देना हम सबसे न्यारे इन औरों से हमें क्या लेना देना हम सबसे न्यारे हमको जवान हमको जवान हमको जवान प्यारे। न्यू थिएटर्स ने शुरुआत की कि उसमें म्यूजिक में एक रंग पैदा किया, एक खूबसूरती पैदा की, ऑर्केस्ट्रेशन जिसको मैं अर्ज कर चुका हूँ। His background score was never a filler. It was a language, an integral part of the whole. It enhanced the drama, communicated the moods, analyzed the psychology of the characters, and intensified the thrust of the story. पंकज मलिक साहब की पहली पिक्चर हमने देखी मुक्ति, और साहब कमाल का उन्होंने म्यूजिक दिया उसमें। उन्होंने कुछ और आगे बढ़ के दो कदम आगे बढ़े, उन्होंने डबल बेस भी यूज़ किया उसके अंदर। बेस उस वक्त यूज़ होता नहीं था, तो डबल बेस काउंटर मेलोडी उन्होंने यूज़ की। काउंटर मेलोडी उस वक्त कोई जानता नहीं था, और वो जैसे धरती माता में था, मैं मन की बात बताऊं, उसमें काउंटर मेलोडी वगैरह उन्होंने इस्तेमाल की, हारमोनी इस्तेमाल की, उन्होंने पाइप ऑर्गन का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें जो थी ये उससे पहले कभी नहीं आई थी। Pankaj Mallick was a unique phenomenon whose voice filled the screen with a rich baritone, leaving a resounding impression on the audience. Actor, composer and singer rolled into one. Music flowed naturally from his lips, covering a staggering range of moods in various films. But essentially,
evoking the spontaneous pleasure of singing. दिल वाले दिलगीर हुआ क्या सोच रहा है तू, सोच रहा है तू। सुख और दुख को समझ बराबर धीरज, तू धीरज धर साधु। क्यों सोच रहा, क्यों सोच रहा, क्या सोच रहा है तू। दिल वाले दिलगीर हुआ क्या सोच रहा है तू। The most memorable contribution by Pankaj Mallick was the introduction of Tagore songs in films. It was he who brought Robi Babur Gaan out of Shantiniketan's precincts to the world at large. The coming of sound brought its own compulsions and a world of new possibilities. The generation of the silent star passed into oblivion, and a new generation took their place. The generation of the singing star. और ऐसे अदबी, ऐसे लिटरेरी गीत और उसको उसी खूबसूरती से आरसी बोराल साहब ने, पंकज मलिक साहब ने बनाया, और वहाँ के गुलूकार जो थे, सिंगर जो थे, उन्होंने उसी खूबी से उनको अदा भी किया जैसे कानन बाला, कुंदन लाल सहगल, खुद पंकज मलिक साहब। तो जिन जिन की तारीफ की जाए कम है, पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि न्यू थिएटर्स यादगार फिल्में दे चुका है, और उसके बाद मेरे ख्याल से किसी ने उस तरफ नहीं सोचा। तुम बिना कल न आवे मोहे, तुम बिना कल न आवे, कछहू नाही सुहावे। कानन देवी's सिंगिंग टैलेंट्स डिड नॉट कम इन द वे ऑफ द पावर शी एक्सर्टेड विद वर्ड्स इन कीपिंग विद द नीड्स ऑफ द सिचुएशंस। The point is that when the music wizards of new theatres needed someone to convey the right sentiments, they had only to turn to Kanan Devi. This melody queen
had an intense femininity in her voice that was completely new and rare even today. समझावे ये गीत सखी क्या है, कोई समझावे ये गीत सखी क्या है, प्रीत मुई क्या है ये रीत मुई क्या है, प्रीत मुई क्या है ये रीत मुई क्या है, कोई समझावे ये गीत सखी क्या है, कोई समझावे ये गीत सखी क्या है, नार नवेले नहीं ये पहले, नार नवेले नहीं ये पहले, पूछ न पावे के प्रीत सखी क्या है, पूछ न पावे के प्रीत सखी क्या है, प्रीत सखी क्या है, कोई समझावे ये गीत सखी क्या है। There was a proverb at that time. Men would willingly die for this lady just to have her sing for them. उस वक्त ये जाहिर हुआ कि अगर क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित गाने बनाए जाएं तो पॉपुलर हो सकते हैं, पिक्चर को 10 वीक की वैल्यू और बढ़ा सकते हैं ये गाने, तो ये उन्होंने आइडिया दिया और साहब ये हुआ, उसके बाद लोगों ने फॉलो किया। हजार शुक्र के देखेंगे अब बहार के दिन, हजार शुक्र के देखेंगे अब बहार के दिन, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मुझे देर हो गई, इसके लिए मुझे अफसोस है। Here was a legend that was born virtually by accident. Har pal nayi bahar, dekho jagat singar, ae katibe taqdeer mujhe itna bata de, itna bata de, doodh ka doodh aur pani ka pani, देखोगे तो दिखा दूंगा, मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा, मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा, एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, बाबुल मरा नहर छूटा जा। Sehgal came from Punjab, nothing to do with Bengal, but he rose to heights, dizzy heights of singing, and today also he is remembered as an immortal singer. K.L. Sehgal was an amateur singer at private functions. When this sensational singing talent was discovered by the ever-observant New Theatre's musicians R.C. Boral and Timir Borum. Hey
हिस्से में सब। After that, this melodious and dramatic voice took Indian audiences by storm. हिस्से में सबके आई है रंगीन बहारें, पदपंक्तियां लेकिन मुझे शीशे में उतारें। Saigal was the cult figure not only in Bengal but also in the rest of the country through his songs. आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, इसका मुझे दुख है, शायद आप लोगों को भी इसका दुख हो। काश ये जुदाई की घड़ी टल जाती, लेकिन मौन हार को मिटाना आदमी की ताकत से बाहर है और मैं भी आदमी हूं। तुम मुझे समझ न सके, तुम मुझे बिल्कुल न समझ सके। पीत में जीवन जो अल्लामा आरजू, उन्होंने बीएन सरकार ने उनको जो खिताब दिया, उनको जो इज्जत दी कि आरजू साहब जो गीत या जो गज़ल लिखकर दें उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, आरजू साहब ने लिखा है, भगवान ने लिखा, ये खिताब दिया, ये इज्जत दी उन्हें आरजू लखनवी को। और वैसे ही आरजू साहब ने उसमें जो गीत लिखे हैं, लोगों को गीत लिखना सिखाया। उस वक्त तक उस ऐसे अदबी गीत नहीं आते थे जैसे कि नई नई अख्तरा उन्होंने की, नए नए लफ्ज़ इस्तेमाल किए, प्रीत में है जीवन जोखों, अभी जोखम कहा गया है लेकिन उन्होंने जोखों इस्तेमाल किया और उसका काफिया लाए। प्रीत में है जीवन जोखों जो कोल्हू में सरसों, अरे ये सरसों का काफिया लेके आए था। जीवन जोखों भोर सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा गढ़े खिलौने पाँव से तोड़त जाए। वो सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा गढ़े खिलौने पाँव से तोड़त जाए। वो तो है, वो तो है एक मूर्ख बालक, तू तो नहीं नादान। आप बनाए आप बिगाड़े ये नहीं तेरी शान, ये नहीं तेरी शान। पहली फिल्म न्यू थिएटर्स ने देवदास दी, जिससे ये लोगों को पता चला कि सोशल फिल्म, सामाजिक फिल्म भी बन सकती है। और उस फिल्म के साथ साथ एक बेहतरीन कलाकार गायक भी दिया, उसका नाम था कुंदरलाल सहगल। और तिमिरबरन साहब जो महान संगीतकार थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के शागिर्द, उन्होंने उसमें म्यूजिक दिया था। दो रात में सो नहीं सका और उसका एक एक गाना मालूम होता था जैसे कि कुछ कुरान है कि गीता है कि वेद है कि बाइबल है, क्या है। एक गाना इतना अच्छा, इतना रिस्पेक्टफुल, इतना इफेक्टिव लगता था कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं उसका। और सहगल की आवाज़ क्या कहना उस ज़माने में। घर घर में उसके गीत गूंजे हैं और सब राग देश में, राग झिंझोटी में, ये सब रागों पर गाने आधारित थे। बाला माए बसो मोरे मन में, दुख के दिन अब बीतत नाही, घिराए बदरवा सामन के, ये तमाम गीत न्यू थिएटर्स ने दिए और सब क्लासिकल पर आधारित।
और उस वक्त ये जाहिर हुआ कि अगर क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित गाने बनाए जाएं तो पॉपुलर हो सकते हैं। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। इफ साइगल द कल्ट फिगर कैरिड द इरेसिस्टिबल मूड्स ऑफ सैडनेस, इट वाज तिमिर बोरोन हु इन्फ्यूज्ड पैशन इनटू म्यूजिक। Here was a creator and experimenter who made use of every opportunity to convey social ideas in pure musical terms. Saavan aaya tum na aaye, new theatres had never been wanting in musical ideas. It held treasures that have inspired generations of music directors, singers and audiences, and they still do. Watch a few of New Theatres' films today. Perhaps many things in them might strike you as being dated. But listen to the music. Babul mara nahi har chuta jaye mara।